उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग आए हैं हुनर हाट देखने के लिए। तो हम लोग पहले भी एक दिन आए थे देखने के लिए, आज दूसरी दिन आ गए। तो आज है 20 तारीख, तो आज से ये ख़त्म हो रहा है। तो सोचा और एक दिन देखने के लिए आ जाए, फिर कभी मौका मिले ना मिले, फिर कभी आए ना आए, इसीलिए हम आ गए हैं हुनर हाट देखने के लिए। ये देखिए चारों तरफ इतना सारा लोग, सभी देखने के लिए आए हैं, ये देखिए। और यहाँ स्टेज प्रोग्राम भी होता है, गाने का और सर्कस भी था। उस दिन जब हम लोग आए थे तो उस दिन हम लोगों ने सर्कस देखा। तो अभी अरविंद को पानी पीना है, इसीलिए हम जा रहे हैं अरविंद को पानी पिलाने के लिए। तो बहुत ही भीड़ है, इधर भी जाओ बहुत ही भीड़, बहुत सारा लोग इधर जाम ही जाम लगा हुआ है। ये मैं अभी आप लोगों को बैक कैमरा में दिखा रही हूँ। खाने का जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है इधर। तो बैक कैमरा में आप लोगों को खाने का एरिया दिखाती हूँ। ये देखिए ये खाने का एरिया है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हैं अपने खाना लेकर। यहाँ बहुत बहुत सारे जगह से लोग आए हैं, जैसे यूपी है, कोलकाता है, बिहार है, और भी बहुत जगह जिसका मैं नाम भी नहीं जानती। तो ये देखिए कितना सारा लोग, ये देखिए कितना सारा लोग, ये देखिए। और अलवीर को अभी पानी पीना है, तो लोग पानी किधर मिलेगा। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर लाइट इधर सजा हुआ है। और ये सब देखने के लिए तो सभी आ जाएंगे, इतना सारा सामान, इतना सुंदर सुंदर सामान। तो हम भी आ गए, हम तो दो दिन आ गए देखने के लिए, क्योंकि ये एरिया इतना बड़ा है कि एक दिन में पूरा ही नहीं होता। और ये गुवाहाटी का खानापारा में हो रहा है, तो उधर एक फील्ड है बहुत बड़ा, उस फील्ड का आधा हिस्से में ही ये सब बनाया, फिर भी हम एक दिन में पूरा नहीं कर सकते, इतना बड़ा एरिया है। और ये जो देख रहे हैं ये सब, ये दुकान आंध्र प्रदेश का है, ये सारा सामान आंध्र प्रदेश से आया है। बहुत ही सुंदर, ये भी लाइट जैसा ही है कुछ कागज़ टाइप का। और ये देखिए ऊपर लटकन लगा हुआ है, बहुत प्यारे प्यारे लटकन। और जो भी सामान को देखो, जो भी चीज़ को देखो, सभी लेने का मन कर रहा है ऐसा। और हम तो लड़की ही लोगों को कपड़े खरीदने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो मैं कपड़े के दुकान के सामने जाके ऑब्जर्व कर लेती हूँ कि कौन सा डिज़ाइन कैसा है और कैसा लगेगा और कौन सा जगह का है ये कपड़ा, ये सब देख लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे वो सब अच्छे से ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है, मतलब जानना अच्छा लगता है। और ये देखिए कितना सुंदर, ये देखिए ये मूर्ति कितना सुंदर है। और ये सब चीज़ जो भी जो लोगों ने भी बनाया है ना, उनका तो बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ, हम तो ऐसे कर ही नहीं सकते, इतना सुंदर सुंदर चीज़ बना ही नहीं सकते। मेरा तो घूम घूम के पूरा पैर का दर्द भी हो रहा था,
और आप लोगों को मेरा हिंदी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि मेरा जो मदर टंग है वो हिंदी नहीं है, इसीलिए धीरे धीरे आ जाएगा। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ मेरा हिंदी सुधारने के लिए, क्योंकि हम लोग ये बोलते नहीं है ना, तो इसीलिए थोड़ा ऐसा कभी कभार बोलते हैं तो इसीलिए थोड़ा अजीब लगता है। अभी रोज़ बोलने से ही अच्छा हो जाएगा, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा आप सभी। और मैं फिर से कपड़ों के दुकान के सामने आ गई, ये देखिए। और अच्छा लग रहा था ये तो आप देखकर, लेकिन मैं तो ये सब नहीं पहनती, तो ऐसे ही देख रही थी। और ये आलबीर के पापा सामने आ गए। और ये वीडियो मैं थोड़ी देर से ही डाल रही हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल रहा था, तो क्योंकि मेरा और एक चैनल है इसीलिए टाइम नहीं मिल रहा था। और ये हूँ मैं और ये हम हैं। आलबीर के पापा की तो हालत ख़राब हो गई, आलबीर को गोद में उठा के तो ये हम खड़े तो हम खड़ा खड़ा देख रहे हैं खड़े खड़े कोई आया है? मैंने देख लिया पहले से, ऐसा लगा अंकुराज आया है अभी, गाना शंकुराज मुझे लगा अंकुराज शंकुराज आया है तो अभी गाना गाएगा। हम लोग तो बाद में आए हैं तो हम लोगों को सीट नहीं मिला। वो ना वो जो व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है उधर स्टेज में, व्हाइट कलर का देखा मैंने, स्टेज तुमको दिखाई नहीं दे रहा। हाँ वो तो इतना सारा लोग कैसे दिखेगा, लेकिन इधर स्क्रीन पे शायद दिख जाए। वाओ क्या म्यूजिक है, देखिए आप दिखाई तो नहीं दे रहा है मगर आप लोग गाना सुन सकते हैं। कौन सा वाला गाना गाएगा पता नहीं अभी, तो गाना सुन सकते हैं आप लोग। आलबीर के पापा तो शंकुराज का फैन है जो अगली बता है गाना गाया था एसएमएस सॉन्ग अगली बता है और अले सुपुरी, वही गाने का सिंगर है शंकुराज। तो अगर स्क्रीन में दिख जाए तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अभी ऐसे ही देख लीजिए क्योंकि हमें तो सीट नहीं मिला और हम लोग लास्ट में है। तो ये देखिए कितना सारा लोग ऐसे ही देख रहा है, ये देखिए। और ये देखिए वो लंबा लंबा लोग इसे घूम रहा है, पता नहीं उनके पैर में क्या है इतना लंबा हो गया। Oh, 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 oh
तो बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। सो बाय बाय फ्रेंड्स।